भाई ये जो घास पे शबनम पड़ी हुई है ना, इस पे सुबह सुबह चलने का लेवल है भाई। निकला है जी सूरज भैया दरवाजे के नीचे से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ये एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी उठते हैं फटाफट से और हाथ मुँह धोते फिर नाश्ता करते हैं क्योंकि आए हुए मेहमान। और भाई बाहर का मौसम अभी तो बहुत ठीक है, बट रात को इसने जो तंग किया ना भाई, फुली गर्मी। और अंदर में इसलिए स्लो बोल रहा था क्योंकि अंदर आए हुए थे मेहमान और वो सो रहे थे, तो उनको डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं बाहर आ गया। और इतने टाइम बाद आके अपनी पुरानी जगह पे व्लॉग स्टार्ट किया है। अब स्कूल रूटीन हुआ करती तो सारे सारे इधर से स्टार्ट हुआ करती थी। अभी आए हैं वाशरूम में, हाथ मुँह धोते फिर चलते हैं नाश्ता करते हैं। भाई अभी हालत देखो, सोते ही हैं यार, क्या करते हैं, फिर ये इतनी हालत क्यों ख़राब हो जाती है भाई। शीशा रगड़ने से भी हालत ठीक हो जाती है। खैर तो अभी हाथ में धो लिए, अभी चलते हैं नाश्ते की तरफ। सबसे पहले उठने वाले माथामी हैं आज हमारे घर में। भाई भाई कुछ ज़्यादा ही जल्दी होगी, तो नाश्ता बना ही नहीं है, रेडी हुआ ही नहीं है अभी, तो बस कुछ ज़्यादा जल्दी कर दी। अभी टाइम देखते हैं भाई, टाइम क्या हो रहा है। मैं अभी भाई देखो अभी 6:30 हो रहे हैं, जस्ट अभी अभी सुबह हुई है। और एज यूजल मैं उठता था 9:30, आज 6:30 उठ गए तो नाश्ता बना ही नहीं है। भाई कॉकरोचेज आजकल बहुत मर रहे हैं, पता नहीं क्या रीज़न है। खैर अभी फाइनली नाश्ता मिल गया है, नाश्ता कर लिया है और तकरीबन 8 बजे का टाइम हो रहा है। आज फिर से एक न्यू चीज़ ट्राई करने लगे हैं, मॉर्निंग वॉक वाली। इधर से मैं भागना स्टार्ट करूँगा वो उधर तक। वेरी बैड एक्सपीरियंस रहा भाई, नीचे तो शबनम पड़ी है भाई, गीला हो गया मैं, पत्थर पर बैठते नीचे कोई सांप वाम ना घुसा हो। अभी तो इतनी धूप ही नहीं निकली, फिर भी ये हालत हो रही है भाई। भाई इस वाली जगह पे ना सुकून है, पता नहीं अजीब सा सुकून है। इधर घर हुआ करता था, पता नहीं क्या कुछ कशिश है, इधर आधा दिन मेरा इधर ही गुजरता है। ये जगह मेरी फेवरेट जगह है। तो भाई अभी कब्रिस्तान के करीब आए हुए थे, दुआ करके जाते हैं। और वैसे तो आते तो डेली हैं, बट अभी सुबह सुबह आ गए तो ये ज़्यादा अच्छी बात है। और भाई इस दरख्त पे है हमारा एक सीक्रेट अंगूर। और भाई ये देखो अंगूर लग भी चुके हैं लेकिन पके नहीं, वो अलहदा बात है। खास बात यह है कि हम घर वालों के सिवा इसका किसी को नहीं पता। ओ भाई वो मुझे लगता है ये तो पके हुए, ये वाला तो कच्चे हैं, अभी टेस्ट करते हैं, अगर वो पके हो तो भाई क्या बात है। भाई उस गुच्छे को देख के मैं आ तो गया, बट पहुंचना नामुमकिन सी बात है, तो खाली हाथ वापसी जाना पड़ रहा है। भाई ये जो घास पे शबनम पड़ी हुई है ना, इस पे सुबह सुबह चलने का लेवल है भाई, अगर स्लीपर्स पहने हो बंदे ने, क्योंकि फिर ठंडा ठंडा पानी जब पाँव पर गिरता है ना, स्वाद आता है भाई। भाई अभी हम आए हुए थे, हमारे घर आए हुए थे, उनको हाफ रास्ते तक छोड़ने क्योंकि गर्मी है तो सांपों वाँपों का डर होता है, तो अभी चलते हैं अपने घर की तरफ। तो फाइनली भाई घर पहुंच चुके हैं, और घर पहुंच चुके हैं और भाई पता चल रहा है कि गर्मी किसको बोलते हैं। बस भाई अभी मैं लेटा हुआ था, बट इतनी गर्मी है ना कि क्या बताऊँ, लाइट भी नहीं है कि पंखा चलाएँ, तो एक ही हाल है कि बार बार फ्रिज से जाके ठंडा पानी निकाल के पी लें। देखो ये धूप क्या गर्मी दे रही है, वाह। गर्मी में एक ही सहारा, दमन नोली ठंडा पानी हमारा। तो फाइनली भाई ये देखो बर्फ जमी हुई है इसके अंदर, क्या गर्मी हो रही है भाई साहब। भाई अभी गए हुए थे खाना खाने, बट गर्मी में तो बिल्कुल ही मन नहीं होता भाई खाना खाने का, लेकिन बस रूटीन पूरी करनी होती है ना। और अभी बाहर तप रही है सही गर्मी, और टाइम है दिन के 12:30 का, तो अभी हम सो जाते हैं क्योंकि बाहर तो करने को कुछ है ही नहीं, बस 2-3-4 घंटे की नींद लेते हैं, उसके बाद पूरा दिन फ्रेश हो जाएगा ना, तो सो जाते हैं, मिलते हैं आपसे सोने के बाद। भाई अभी टाइम हो चुके हैं 4:00 PM, और भाई अभी तक मैं 1 मिनट नहीं सोया, ये बता रहा हूँ, मैं 1 मिनट नहीं सोया। बोला तो था कि सोऊंगा बट नहीं सो पाया, सिर्फ मोबाइल जोर का ज़रा, क्योंकि इतनी गर्मी है ना भाई साहब, कि भाई इतनी पंजाब एरिया में ना होती होगी, हमें तो इधर बैठ के ऐसा ही लगता है, बट क्या पता पंजाब में क्या चल रहा होगा। सबसे ख़तरनाक बात कि लाइट गई हुई है सुबह से और अभी तक लाइट का पता ही नहीं। भाई अभी शाम हो चुकी है जैसे कि तुम लोग देख ही सकते हो, और भाई लाइट हमारी गई हुई थी सुबह से जो कि अभी तक गायब है और आने का नाम ही नहीं ले रही। थोड़ी सी बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी बैटरी की है, तो जो बस बहुत मुश्किल से एंड ही करेगी ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग को इतना ही एंड करते हैं, पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दें। तो मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में, इंतजार कीजिए, अल्लाह हाफिज़।